में ही आपको मिलेंगे काफल, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं काफल ये। 20 रुपए गिलास है, पकड़ो अंकल जी आप लोग बना दो। ये कहाँ से तोड़ के लाए हो आप इनको? ये बहुत दूर से लाने पड़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल काले हैं एकदम से, स्वादिष्ट है। नहीं काले भी हैं, काले जितना काला होगा उतना मीठा होगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के द्वाहार शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर और दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर स्थित ये एक चमत्कारिक मंदिर है, जहाँ आज भी संजीवनी बूटी विराजमान है। यहाँ पर आज भी संजीवनी बूटी विराजमान है। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। थोड़ा फेस पे अंधेरा हो रहा है क्योंकि सूरज मेरे ठीक पीछे है और रास्ता नीचे को ही और है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं माँ द्वागी का दर्शन करने के लिए। ऊपर टॉप में द्वारहार से करीब है 15 किलोमीटर। अभी हम लोग को वहाँ से लेनी है कैब, जो मतलब शेयरिंग कैब होती है वो लेनी है। तो मैं पहले नीचे चले जाता हूँ क्योंकि हमारे गांव से शॉर्ट रास्ता जाता है ऊपर। तो पहले वहाँ से कैब लेंगे, एक कैब का किराया बताऊँगा आपको द्वारहार से मंदिर तक कितना है, वो कैब लेंगे। उसके बाद कैब से मैं नीचे कुछ जगह स्पेस बना के ले आऊँगा निहारिका भाई के लिए और नीतू के लिए। मम्मी पापा लोग नहीं आ रहे तो वो लोग मिलेंगे मुझे ऊपर वापस। तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ मार्केट की ओर को। मार्केट हमारे गांव से है करीब 2.5 किलोमीटर दूर, तो इतना रास्ता आपको पैदल पैदल जाना पड़ता है। बस यह है कि गांव के में ऐसे रास्ता बना हुआ है, तो मतलब क्या है कि इससे क्या होता है कि थोड़ी सेहत सही आती है आराम से ना, ऐसा मतलब होता है कि ट्रैक हो जाते हैं रोज़। मतलब हम लोग को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ट्रैक बाजार जाओ वहाँ से 20 किलो सामान लेके आओ, अपना ट्रैक चला जाता है। पीछे आवाज़ सुनी आपने, ये वो देखिए, वह है ब्लैक नेप्ड वुड पिकर। ब्लैक नेप्ड वुड पिकर है उधर बैठा हुआ। इधर एक काफल का पेड़ लगा, उसमें काफल लगे हैं लेकिन कम लगे हैं। आज हम ऊपर जाके काफल लगाएंगे क्योंकि ऊपर मंदिर में ना आसपास काफ़ी काफल के पेड़ हैं। यहाँ पर है द्वाहार की त्रिमूर्ति, मतलब यहाँ पर तीन लोग हैं। एक है श्री मदन मोहन उपाध्याय जी जो बीच में है, एक साइड हैं बिपिन चंद त्रिपाठी जी और एक साइड हैं स्वर्गीय श्री हरिदत्त कांडपाल जी। तो ये तीन लोग मतलब यहाँ की महारत्न हैं द्वाराट के। तो इसी स्टैंड से चलती है गाड़ी दुनागरी की। यहाँ पर अब गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी हुई है सामने, अभी इसमें सवारी नहीं हुई है। अभी मैं आपको इसका रेट बताऊँगा कितना है मुझको, क्योंकि मुझको भी नहीं मालूम है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अपनी गाड़ी से जाते थे, आज हम लोग पहली बार टैक्सी से जा रहे हैं। इंतजार करने के बाद शेयरिंग में गाड़ी भरी ही नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1200 रुपये में गाड़ी बुक करके ले आ रहे हैं। होने के लिए 14 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, लेकिन क्या है कि ये रूट थोड़ा सिंगल है। रास्ते पे आराम से मतलब द्वागी रास्ते पे आप यहाँ पे KMN का जो गेस्ट हाउस है, आप यहाँ पे भी आप आराम से बुक कर सकते हैं अपना। वो देखो बहुत सारी हट बनी हुई नीचे, तो आप आराम से यहाँ पे भी आ सकते हैं। आप देखो ना रास्ता कितना खूबसूरत है, यहाँ पूरे पेड़ हैं देवदार और मोरपंख के, तो सारे ये वाले पेड़ हैं यहाँ पे। और साथ में है आपका बांज का पेड़ जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन को नमी दे के रखता है। तो यहाँ पे ना बहुत ठंडी हवा है और बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरती है। अगर आप आओगे जनवरी के टाइम पर तो आपको यहाँ पर बर्फ़ भी मिल जाएगी, करीब यहाँ पर बर्फ़ गिरती है 2-3 फीट। तो जैसी बारिश होगी तो समझ लो यहाँ पर बर्फ़ गिरनी है। और आप ऊपर का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है ये।
हम पहुंच गए मंगलीखान। जो मंगलीखान जो है बेस कैंप है मंदिर का, यहाँ तक आपको गाड़ी छोड़ेगी। बिल्कुल इसके पास में यहाँ पे पहले पड़ता है हनुमान जी का मंदिर, क्योंकि जहाँ जहाँ शक्ति पीठ होते हैं वहाँ हनुमान जी का मंदिर होता ही होता है। अब यहाँ से हमको स्टेयर्स चढ़ के जाना है ऊपर मंदिर की ओर को। तो करीब यहाँ पर पहले 500 स्टेयर होती थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी थोड़ा उनको चेंज करके थोड़ी चौड़ी बना दी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सीढ़ियाँ थोड़ी कम होगी। तो ये कोविड की वजह से देखो घंटे अभी तक बजी हुई है, ताकि कोई घंटे ना बजा पाए, लेकिन हमने बजा दी। फिर यहाँ पर है गणेश जी का मंदिर, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर आप चाउमीन वगैरह खा सकते हैं। नीचे प्रसाद की दुकान भी है, वहाँ पर बहुत सारी आप प्रसाद बैठ ले सकते हैं। हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। हाँ हाथ खराब होगी ना चले जाते जाते। तुम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल बाद आ रहे हो? 5 साल बाद आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ 5 साल बाद आया। मैं साल में आता हूँ 2 बार, मतलब जब भी यहाँ आता हूँ 2 बार तो मंदिर जरूर आता हूँ, क्योंकि माता हमारी रक्षा करती है ना बाहर जहाँ भी। तो पिछले बार कोविड के से सारी घंटियाँ बंद थी जितनी है, अभी सारी घंटियाँ खोल दी है। लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। ये मंदिर अभी ऊपर और है, तो यहाँ पर है हाथ और पानी धोने के लिए नल लगा हुआ है। यहाँ पर आपको अपने जूते उतारने हैं, इधर पे झूला है, अभी जो वापस आएंगे झूला झूलेंगे। फिर यहाँ से पूरा द्वार दिखाई देता है, वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा पूरा द्वार। थोड़ा यहाँ पर एक तालाब टाइप का है, उसमें पानी अभी फिलहाल है नहीं, तो उधर बाबा जी रहते हैं तो उधर भी हम जाएंगे। ये देखिए दर्शननाथ भक्तों का निम्न संसार खुला रहेगा। ग्रीष्म काल में प्रातः 5 बजे शाम को 7 बजे तक खुला रहेगा, और शीतकाल में प्रातः 5 बजे शाम को 5 बजे तक खुला रहेगा। तो अगर आप गर्मी में आ रहे हैं तो ये, और जाड़ों में आ रहे हैं तो ये टाइम। तो हम जा रहे हैं मंदिर की ओर वापस। तो यहाँ पे स्थित है शक्तिपीठ। अभी मैं आपको इसकी मतलब बताऊंगा हिस्ट्री की, ये शक्तिपीठ यहाँ पर कैसे बना। तो पहले आप मैं आपको मंदिर के ऊपर दर्शन कर रहा हूँ। अंदर की कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब इससे अंदर देखो, बाहर अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से आप फोटो वगैरह खींच सकते हैं। तो बाहर से कुछ ऐसा देखो परिवेश है मंदिर का। उधर सामने पांडखोली है, जहाँ पांडव ने अज्ञातवास किया था। उसके अगले वाली जो चोटी है वो है भरतकोट सामने। अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भरत जी तपस्या करते थे। इधर पांडवों ने अज्ञातवास किया था। अभी हम थोड़ी देर पर वहाँ भी जाने वाले हैं, मतलब पांडखोली तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको उसके बेस के अंदर जरूर लेके जाऊँगा। तो ब्लॉग पूरा देखना, थोड़ा बहुत आपको मतलब जानकारी हो जाएगी कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। तो ये पूरा मंदिर है, चारों ओर देखिए यहाँ पे इस मंदिर की धुनी है, और ऐसे साथ में बहुत सारे मंदिर हैं। नीचे गुरु देवता का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, और साथ साथ में हनुमान जी का भी मंदिर है साथ साथ में। साथ में आपसे जो बोला था ना कि नीचे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो उनमें से एक ही हनुमान जी का मंदिर भी है। अभी मैं आपको कोई स्टोरी बताने वाला हूँ माँ दागी माता की भी। हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर को, यहाँ पर एक झूला भी है, तो हम वहाँ झूला भी वहाँ पर जाएंगे, झूले पे भी आपको दिखाऊंगा। साथ में यहाँ पर है भैरव जी का मंदिर भी, ये यहाँ पर भैरव जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पर है महावतार बाबा की तपस्थली। तो जो पांडगोली में केव है ना नीचे, तो केव में बाबा जी जो मतलब लोग श्रद्धा रखते थे उनके ऊपर, तो उनको स्वर्ग के दर्शन वहीं स्वर्गासन के दर्शन कराते थे। तो बहुत सारे लोग मान्यता रखते हैं वहाँ पे, और बहुत सारे लोग आते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए गुफा में भी। तो साथ में यहाँ पे है गौ देवता का मंदिर और कऊ देवता का मंदिर। गौ देवता के जो गण होते हैं वो कऊ देवता होते थे, दोनों का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर एक झूला भी लगा हुआ है, और आप झूले का भी आनंद ले सकते हैं आराम से। बस इस झूले में 2 लोग से ऊपर बैठने में फाइन भी है, और झूले में मतलब आदमी नीचे गिर भी सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पे चेतावनी लिखी हुई है। तो झूला ये
बड़ा मस्त है, उसमें दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। आओ नहीं यार का बैठोगे झूले में, देखो ये देखो पूरा झूले के साथ साथ ये पूरा सिनेमेटिक व्यू बनना है, ऐसा लगा कि ड्रोन कैमरा उड़ रहा होगा। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं दुनागी मंदिर। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ की हिस्ट्री, ये बात है आपके त्रेता युग की, जब मतलब रामचंद्र जी का वास था। तो उस टाइम पे क्या था कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो यहाँ पीछे भरतकोट एक पहाड़ी है, तो वहाँ भरत जी तपस्या कर रहे थे। हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत जो है स्थित जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर मतलब एक लिखा हुआ है ये आपके नीति वैली में, तो वहाँ पर लिखा हुआ कि हनुमान जी लिफ्टेड द्रोणागिरी पर्वत हेयर, तो वहाँ से वो पर्वत लेके जा रहे थे लंका की ओर, क्योंकि उनको जान बची लक्ष्मण जी की। तो भरत जी को लगा कि कोई ऐसा कोई अनिवेंट मतलब कुछ है, तो उन्होंने तीर मारा था तो हनुमान जी पर्वत समय नीचे गए थे। तो उस पर्वत का एक हिस्सा यहाँ पर आ गया, जैसे संजीवनी बूटी उस पर्वत पर थी वैसे ही इस पहाड़ पर भी है। इस पहाड़ पर पारस पत्थर भी पाया जाता है, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि इस पहाड़ पर पारस पत्थर भी है, क्योंकि कभी कोई मतलब पुराने किस्से हैं कि कोई औरत यहाँ पर घास काट रही थी तो उसका पत्थर उसकी दराती पारस पत्थर पर लग गई थी, तो क्या हुआ कि पूरा का पूरा लोहे से मतलब लोहा सोने का रूप में हो गया। और साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारी संजीवनी बूटी भी होती है, और आपके संजीवनी बूटी भी काफ़ी होती है, और पतंजलि वाले यहाँ काफ़ी शोध करने भी आते हैं। तो आज मतलब विराजमान है इस शक्तिपीठ में सारी संजीवनी बूटी, तो जब भी आप आएँ तो इस शक्तिपीठ में आ सकते हैं और यहाँ आके इस प्राकृतिक नज़ारे के साथ लुत्फ ले सकते हैं। मैंने आपको डिस्टेंस बताई है, द्वारहाट से आप बाई शेयर टैक्सी आ सकते हैं, हल्द्वानी से आ सकते हैं, दिल्ली से आ सकते हैं, यहाँ तक रोड पूरी आती है, उसके बाद आपको स्ट्रेच करके मंदिर तक पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ पे है द्वारहाट पैदल मार्ग, अगर आपको ट्रैकिंग करने का शौक़ है तो आप द्वारहाट से 4 किलोमीटर ऊपर पैदल चल के भी ऊपर आ सकते हैं, लेकिन ऊपर को आना बहुत ज़्यादा टफ है, नीचे को आप जा सकते हो आसान से। नीचे जाने में आपको करीब लगेगा 1 घंटा या 1.5 घंटा, ऊपर आने में लगे आपको 4 घंटा पूरा लगना है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे और जो भी झूले हैं देखो छोटे छोटे ऐसे, ये सीसा झूला, ये सब कुछ है बना हुआ। और यहाँ पे है बाबा जी रहते हैं, तो हम जब बाबा जी से मिल के आते हैं। और यहाँ पे एक जैसे है उधर सुलभ शौचालय भी है महिला और पुरुष दोनों का। और यहाँ पर खूब सारे फूल लगे हुए हैं लिली के, ये देखिए क्या नज़ारे। तुम लोग को हमें तो पहले से पता है, बहुत अच्छा है, नीतू से पूछिए। हाँ तो मंदिर तो काफ़ी अच्छा है, तो आप भी आ सकते हैं। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भंडारे में, तो हम लोग पहुँच चुके हैं भंडारा गया में। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आपको भंडारा यहाँ पर करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पहले इन्फॉर्मेशन देखिए कि आज दिनांक दिन तारीख को श्रीमान श्रीमती निवासी यहाँ के द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तो मतलब आप भी यहाँ भंडारा कर सकते हैं मंदिर में। तो यहाँ पर हाथ धोते हैं और थाली लेते हैं, यहाँ पर हाथ मतलब यहाँ पर क्या है थाली यूज करने के बाद खुद धोने की प्रथा है, तो अपनी थाली आपको खुद ही धोनी पड़ेगी जाने के बाद। बहुत बहुत अच्छा है मतलब, और गिलास पानी का आप यहाँ से ले सकते हैं। माता जी के भंडारे का प्रसाद आ गया, ये ना सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है मतलब उसका आप अनुमान नहीं ला सकते, इतना स्वादिष्ट रहता है। जब भी आप भंडारे में आए थे यहाँ पर दान पास हुआ है, उसमें दान जरूर आ गया, क्योंकि भंडारा हम ही लोग की मदद से यहाँ पर चलता है, है ना? ऑसम टेस्ट है ना, है ना स्वादिष्ट? अच्छा बहुत ज़्यादा, इतनी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होती है ना, बिल्कुल मीठा लगता है एकदम से। फिर मैं ही आपको मिलेंगे काफल, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं काफल, ये 20 रुपये गिलास है, पकड़ो अंकल जी ब्लॉग बना दो। ये कहाँ से तोड़ के लाए आप इनको? ये बहुत दूर से लाने पड़ते हैं। अच्छा बिल्कुल काले हैं एकदम से, स्वादिष्ट है। नहीं काले भी हैं, काले जितना जितना काला होगा उतना मीठा होगा। मालते हैं इसको बेच के पूरा दिन भर में ऐसी तरह से बेचने, अभी ये खत्म हो जाएंगे फिर आप दोबारा जाओगे लेने के लिए? कल को जाओगे, आज मतलब जितना बिक गया बिक गया, जितना आप लेके आया था तोड़ के, है ना? आपका घर कहाँ हुआ? यही कौन सा गाँव हुआ यहाँ? टोठरा। अच्छा वहीं और के आपके गाँव में काफल है? अच्छा तो कैसे तोड़ते हो? वैसे धोती लगा के नीचे की फांग चढ़ चढ़ के? तो एक एक दाना करके। अच्छा बाल्टी में बहुत समय लगता है। हाँ समय बहुत लगता है। तो पहले हम लोग गए थे मंदिर दुनागिरी, अभी हम वहाँ से उतरे हैं और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा एप्पल गार्डन वगैरह देखने के लिए, और साथ में कुरचिना
वैसे कुकू सिन्हा का पहला नाम कौरव सिन्हा था, कौरव सिन्हा वहाँ कौरव लोग आए थे ना तो इनको ढूंढने के लिए, पांडवों को ढूंढने के लिए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए क्योंकि पांडव लोग पांडुगोली में रहते थे, तो उसे कौरव सिन्हा भी कहा जाता था उस टाइम पे, तो बाद में उसका नाम कुकू सिन्हा हो गया।